हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं जयपुर घूमने। आज है शुक्रवार और चलिए पहले चलते हैं मम्मी लोगों के रूम में, डुगु जी रूम में। हाय मम्मी, आई मम्मी हो गई मम्मी है लिप्स कर रही हैं। हम लोग का चेकआउट 5 बजे था शाम में, पर हम लोग अभी चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से क्योंकि हमें टाइम वगैरह लग जाएगा, तो हम भाग के ही आना चाहते हैं क्योंकि हम लोग को घूमने जाना है। अच्छे से सूट पहना है मुझे, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना ये पहनने के बाद। और छोटी सी बिंदी लगाई है और एकदम लाइट मेकअप किया मैंने आज हल्का सा, और मतलब कंसीलर से दाग छुपा दिए और बाकी मैंने हल्का सा एकदम बीबी क्रीम लगाई है, दैट सॉल। सब लोग तैयार हो चुके हैं, बस निकल रहे हैं यहाँ से। चलो शू कहाँ तो मैं हो गया ना। हाँ चलो शू तो कर लिया और मैंने सुबह कर लिया। लेट हो रहे हैं और ये क्या हुआ। दीपक कल बेहोशी में लेके आए दीपक को। हाँ तो हमारी कार खड़ी है यहाँ पे और ड्राइवर भैया नहा रहे हैं। चल रहे चल रहे। फाइनली हम लोग अब निकले हैं, बाई सीक्वेंस जाएंगे और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पहले हाय करो जिया, देखो आगे कपड़े भी हैं। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं जयपुर के सफ़र के लिए। और यहाँ पे हम निकले थे तो जयपुर को पिंक सिटी इसलिए बोलते हैं, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सब कुछ पिंक होगा। तो बता रहे थे कि एक गेट से दूसरे गेट तक सब कुछ, जो भी आपको बिल्डिंग दिखेगी, जो भी आपको छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी, जो भी मॉन्यूमेंट्स, जो भी चीज़ें हेरिटेज की हैं, वो सब पिंक है। एंड आपको पता है इतनी अच्छा दिख रहा था सब कुछ कि मैं बोल नहीं सकती। हालांकि बारिश के कारण बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ सी हो गई थी, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जयपुर में और मेरा जयपुर आने का दोबारा से मन है, जब मैं 3 से 4 दिन आराम से जयपुर एक्सप्लोर करूँगी। तो सून मे बी इन दिसंबर हम लोग थोड़ा प्लान कर रहे हैं माउंट आबू, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ जाने के। तो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना आपकी हेरिटेज सिटीज में से है जयपुर। तो हम पहले कार में जा रहे थे, फिर हमें ये ऑटो मिल गया था। ये ऑटो जो थे ये 300 में गए थे लाइक, और 4 से 5 जगह घुमाने वाले थे। तो ये हम लोग को ज़्यादा कन्वीनियंट लगा क्योंकि कार से हमें ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा था क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था। तो सबसे पहले तो हमें ब्रेकफास्ट करना था, तो हम यहाँ पे हेरिटेज रेस्टोरेंट आ गए थे। यहाँ पे ना फुल बात और सिटी पैलेस और जितनी जगह, उसके बाद बोट जो है वो हम लोग जाएंगे बाई कार। और अभी बहुत भयानक भूख लगी क्योंकि मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है। यहाँ पे हम आए क्योंकि हमारा खाना सुबह से नहीं हुआ था और यहाँ पे हमने ऑर्डर करी थी सबसे पहले दाल बाटी की ये प्लेट। ये दाल बाटी चूरमा की प्लेट थी। तो सबसे पहले वहाँ पे उन्होंने हमें बाटी जो थी वो टेस्ट कराई। पता नहीं यार बाटी मुझे फर्मेंटेड लगी। आप लोग बताइए अगर आप जयपुर से हो और ये खाते हो तो आप फर्मेंट करके बनाते हो। मतलब मुझे हल्का सा ना खट्टा सा कुछ खमीर का टेस्ट आया था इसमें, मम्मी को भी आया था। वो हम लोग पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, बट थोड़ा टेस्ट अलग था। उसके बाद फिर हमने अच्छे से बाटी को तोड़ा है और उसके बाद 2 प्रकार की जो दाल थी, सबसे ज़्यादा तो जयपुर की लहसुन और लाल मिर्च की चटनी यार यम्मी। तो यहाँ पे इन्हें बहुत सारा घी डाल दिया, फिर इन्होंने डाली चटनी, ये थी लाल मिर्च और लहसुन वाली चटनी। उसके बाद फिर यहाँ पे एक इन्हें डाली दाल, ये आई थिंक मूंग की अरहर की दाल थी, एक क्लियर कट चना की दाल थी ये वाली। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स किया, फिर इसमें डाली चॉप्ड अनियन एंड नींबू। मैं भी अब से ऐसे ही डाला करूँगी बाटी जो बनाऊंगी यार। इतनी हेवेनली लग रही थी ये बाटी, इतनी टेस्टी थी कि राजा ने अब मेरे 2nd प्लेट भी मंगवाई। तो यहाँ पे इन्हें सबके टेस्ट के लिए निकाल दी थी। मम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं आई, मेरी मम्मी बाटी पसंद नहीं है। हम लोग MP में रहे हैं, राजा MP से ही हैं, तो हमारे लिए ऐसा है कि बाटी घर में महीने में 2-3 बार बनती ही बनती है। तो हम लोग काफ़ी फैमिली रहे, मेरे घर में बाटी नहीं बनती हरियाणा साइड में, बट आई लव बाटी। मेरी मम्मी को पसंद नहीं है, तो राजा को बड़ी अच्छी लगी, दीपा को, मेरे को इतनी अच्छी लगी, मैं 2nd प्लेट मंगवाई। ये प्लेट थी 450 की, 4 बाटी की। बट गाइज इस होटल का जो टेस्ट था खाने का वो ऑसम टेस्ट था। ऑल दो थोड़ा एक्सपेंसिव था बट यामी था। तो मेरे को बस एक चीज़ अखर रही थी कि यार हमारी एक थाली खानी थी मुझे राजस्थानी, जो कि रह गई।
मैं अगली बार जरूर आऊंगी, बहुत जल्दी प्लान कर रही हूँ। मुझे इतना पसंद आया राजस्थान या जयपुर, वहाँ पे है मेहंदीपुर बालाजी भी गए हम लोग अभी उसके एक दिन पहले, हम खाटू श्याम गए थे, फिर हम जयपुर आए। मेरा ना जैसलमेर जाने का, रीत उदयपुर जाने का बड़ा ही मन था, बट मम्मी तो चल नहीं पाती हैं, तो हमने दो ऑटो कर लिए थे और हम लोग निकल गए थे अब जयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए कि हम एक दिन में जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। मम्मी थोड़ा परेशान हो रही थी क्योंकि मैं जाने वाली हो रही हूँ घर, तो उनके दिमाग में वही चल रहा है। फिर हम लोग आ गए थे अपनी पहली डेस्टिनेशन पे जो कि है जंतर मंतर। जंतर मंतर में लगती है हम लोग क्योंकि 50 रुपये की 52 रुपीज की टिकट और आई थिंक फॉरनर्स की 500 की थी। और ये प्लेस इतने कबूतर यार, इतने कबूतर, इतना प्यारा लग रहा था, मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पे था टिकट काउंटर और हम फाइनली पहुँच गए थे जंतर मंतर। यहाँ में सबकी टिकट्स जो थी वो ले ली थी। और डुगू में एक हैबिट हो गई है कि अगर जिया गोदी में है तो डुगू को भी गोदी में आना है, तो हम लोग थोड़ा घूमने से पहले आजकल डरने लगे हैं। तो यहाँ पे हम फाइनली एंटर हो चुके थे जंतर मंतर के लिए। जंतर मंतर में एंट्री ले ली है और रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, बहुत सुहाना, बहुत अच्छा मौसम है घूमने लायक। धीरे धीरे बुझा रहे आ रही पानी की। तो जंतर मंतर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बने हुए वहाँ पे 19 इंस्ट्रूमेंट, लाइक मैंने पढ़ा है इसके बारे में, 19 तरह के मेजरिंग और जैसे मैप के लिए रहते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बने हुए हैं, काफी डिटेल्ड है। ये 1723 में बना था आई थिंक, मैं रीड करके ना इसे मैंने पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत इधर हो सकती है मेरी इन्फॉर्मेशन। और फिर हम यहाँ पे घूम रहे थे, बच्चों को सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़नी थी जो कि अलाउ नहीं थी, और यहाँ के सारे जो वो थे ये स्टोन से बने हुए थे, तो ये बहुत ही लाइक एक तरह से एक अच्छी हम लोगों की धरोहर है। और ये सब चीज़ें देख के ना हमें लगता है कि एंशियंट टाइम में किस तरह से जो चीज़ें थी वो दिमाग लगाते थे लोग, किस चीज़ से ये मेजर हो सकता है, मैपिंग हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो काफ़ी डिटेलिंग थी और लोग बहुत अच्छे समझ रहे थे, हम लोग नहीं समझ पा रहे थे ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए बच्चे सीढ़ी चढ़ रही है, तो हमारा पूरा ध्यान बच्चों पे था कि वो कहीं इधर उधर ना भग जाए, चोट ना लग जाए, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था। तो हम लोग थोड़ा जल्दी ही निकल गए थे यहाँ से क्योंकि वो लोग दौड़ लगा रहे थे। अब बच्चों के साथ ये था कि यार जिया अभी इतनी बैलेंस हो चुकी है पर फिर भी लगता है कि वो इधर उधर थोड़ा भी इसका पैर होगा तो वो गिर के उसे चोट लग जाएगी। तो हमें लगा कि हमें निकल लेना चाहिए। और राजा यहाँ पे थोड़ा बता रहे थे कि वो इतना परेशान हो गए हो बच्चों से, वो बहुत अभी फिलहाल भाग भाग के, दोनों भागते रहते ना तो ऐसे परेशान कि भागते रहो उनके पीछे। तो जिया बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। हम लोग थोड़ी साथ में बात करने को होते ही हैं यार, आजकल हम ब्लॉग में साथ में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि देखिए अभी बात कर रहे हैं, इधर में वो भगा ये भगी, वो उसको धक्का दे देगा या वो उसको पकड़ के गिरा देगी, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है हमारे पास। उनको पकड़ने के, उनके पीछे भागने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं बचता। तो हम बच्चे भग गए थे तो राजा ने बोला यार मैं भग रहा हूँ, तो राजा भगे हैं और वहाँ पे जो पुलिस वाले अंकल थे वो कह रहे थे कि सीढ़ियों पर चढ़ने देना, उनको चोट लग जाएगी। तो राजा वही कह रहे थे कि बच्चा तो नहीं चढ़ेगा, बच्ची जरूर चढ़ जाएगी, हमारी बच्ची बहुत जल्दी जल्दी भगती है इधर। तो उसका फिर लेके आए हैं, भाग भाग के जिया हो गई थी एकदम पूरी नींद में। और यहाँ पे फिर हम लोग निकल गए थे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि हम लोगों के लिए थी हवा महल। हवा महल में हम अंदर नहीं गए थे, हमने बाहर से ही ले लिया था फोटो वगैरह। और फिर ये जो है ये है मौज महल, ये डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है राजस्थान की। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, 500 आपकी टिकट लगेगी पर्सन, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे दी थी टोटल 2500, हम लोग पास थे, बच्चों की टिकट नहीं लगी थी, तो 2500 रुपये की टिकट हम लोगों की लगी। फिर हम मौज महल घुसे। मौज महल घुसने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को जाना था मिरर वाली भूल भुलैया में। तो क्योंकि बरसात हो रही है और कुछ कीटाणु ना जाए, तो उन लोगों ने हमें एक जो कपड़े का थैला सा रहता है ना वो बंधवाया था जूतों के साथ में, जो हमने सैंडल्स पहनी थी। फिर हम लोग यहाँ पे एंटर हो गए थे। जी अभी सो रही थी, तो यहाँ पे आपको देखना है इसमें आप घूम जाते हो। तो हम एक बार ना एंट्री पॉइंट पे दोबारा पहुंच गए थे, फिर हमने बोला आप हेल्प करो, कि उन्होंने बोला नहीं आप खुद है अपने आप जाओ। तो हम लोग यहाँ पे घूम ही रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था और बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। और हम लोग को काफ़ी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि एक तो गर्मी भी हो रही थी, उमस सी हो रही थी और बच्चे थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा कहते हैं ना एंगेज जाते। डुगू ने इतना इन्जॉय किया है इस ट्रिप में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जी हाँ, मेरी लटक के ही सो रही थी। और उसके बाद फिर हम दोबारा से एंट्री में पहुंचे, फिर हमने से हेल्प मांगी पर नहीं दी। फिर फाइनली जाके दीपा ने जो एग्जिट गेट है वो ढूंढा और उसने बताया। तो ज़्यादा कुछ है नहीं पर मज़ा बहुत आएगी एग्जिट तक जाने में,
है ना, और बस आपको बच के जाने बोला था, हाथ वाथ लगा के जाएगा वरना आप जाके भिड़ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपनी नंगी आंखों से भी दिख जाएगा कि मिरर कहाँ है और ना मिरर कहाँ है। उसके बाद आ गए थे अपनी फेवरेट जगह पे जो की थी हॉरर हाउस। तो यहाँ से निकलते साथ में ही हॉरर हाउस जो था वो था, और ये है एक स्केलेटन। और चलिए मजे लीजिए अब हॉरर हाउस के। उसके बाद फिर यहाँ पे था हॉरर हाउस, और मतलब हॉरर हाउस से हम निकल गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग को सीढ़ी चढ़ के जाना था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और ये ना काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, हमें बड़ा अच्छा लगा कि एक जगह पे ही हमें कुछ चीज जो थी वो देखने को मिल गई। फिर यहाँ से निकल के हम लोग गए थे एक जहाँ पे 3D पेंटिंग्स बनी हुई थी, और उसके बाद अंदर से एंट्री थी आपकी और चीजों की, जो कि था वैक्स हाउस, वैक्स म्यूजियम टाइप का। तो मैं दिखाऊंगी मैं आपको। तो 3D पेंटिंग थी, इसको हम लोग एंजॉय कर रहे थे, लाइक फोटोज खिंचवा रहे थे, जहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई थी। एक्चुअल 3D ना मेरे को पता है क्या लगा, ये वाली पेंटिंग। तो हमने काफी सारी फोटो खिंचवाई। उसके बाद फिर आ गया था हमारा वैक्स म्यूजियम जाने का टाइम। ये काफी ज्यादा ऐसा था कि बच्चे और मम्मी यहाँ पे नहीं चल पाए, रो रहे थे वो लोग, मतलब मम्मी नहीं बच्चे रोना, डुगु तो ऐसे रो रहा था कि इसे बंद करा के फिर हम लोग अंदर गए, क्योंकि एक तरह का इल्यूजन वो करा था कि आप खुद रोटेट हो रहे हो, मम्मी को चक्कर आने लगे थे। उसके बाद फिर हम पहुंच गए थे वैक्स म्यूजियम। यहाँ पे KBC खेल रहे थे अमिताभ बच्चन जी के साथ, फिर यहाँ पे थे APJ अब्दुल कलाम जी, और फिर यहाँ पे दलाई लामा, बहुत सारे जो बड़े बड़े हस्तियां, उन सबके वैक्स स्टैचू आपको मिलेंगे। मेसी थे, और यहाँ पे इनके बाजू में टॉम क्रूज, और सबके बारे में लिखा भी हुआ था डिटेल में कि कुछ कुछ जो भी आपको पढ़ना है कि जो स्टैचू है ये किसका है। देन मेरा फेवरेट कार्टून प्लस बचपन का कैरेक्टर मिस्टर बीन, यार इसके लिए तो यार हम लोग इतना देखते हैं, पागल अभी भी देखती हूँ कई बार यूट्यूब पे चला के, तो मिस्टर बीन का था, मैं बड़ी खुश हुई इनको देख के। फिर यहाँ पे गायत्री देवी जी के साथ फोटो खिंचवाना है तो वो खिंचवा सकते हो, तो यहाँ पे डुगू को खिंचवाना था, फिर दीपा ने खिंचवाया, फिर जब मम्मी ने खिंचवाया तो मैंने खिंचवाया। तो काफी अच्छा था, काफी अच्छा लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि काफी सारी डिटेल में चीजें थी। और मेरे को जयपुर में ऐसा लगा कि यार हम कितना कुछ मिस करके आ गए, जब जयपुर में इतना कुछ था देखने के लिए। उसके बाद फिर यह है बाहुबली, एंड देन खली, एंड देन महात्मा गांधी जी, मदर टेरेसा, सबके स्टैचूज थे। फिर सचिन तेंदुलकर का भी स्टैचू था, एंड वो स्टैचू सचिन जी का जो स्टैचू था वो उनके से लग नहीं रहा था। एक्चुअली मेरे को पढ़ना पड़ा, फिर मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा बहुत मैच हो रहा था। फिर बच्चे यहाँ पे नाच रहे थे, फिर ऊपर फूड कोर्ट था, जंगल कुछ था, पर हम लोग नहीं गए, और बच्चों के खेलने का था या बच्चे बहुत टाइम वेस्ट कर देते, तो हम लोग निकल लिए थे। हमें लगा कि चलो यार वो चीज मिस करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर अगर वहाँ फंस जाते हम लोग 1-2 घंटे के लिए फंस जाते और हम कहीं और नहीं जा पाते। फिर हम इसी जो जगह में नीचे साइड गए थे जहाँ पे वो बोला था गवर्नमेंट मार्केट लगता है। यहाँ पे जो कंबल है ये है 100 ग्राम के कंबल, जो 100 ग्राम वेट होता है, लाइट वेट, डबल वाले वो कह रहा है 300 वाले, तो हमने डबल वाले लिए। ये जो कंबल है ये 4,500 का था, जो ये खोल के दिखा रहा है,
ये इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, पर यार मैं इतना फ्लाइट में लेके नहीं जा सकती थी, तो मैंने एक कंबल ले लिया था जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ये ना पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा था, लग रहा था पूरी पेंटिंग है इस पे। पर मेरे को पता है बच्चे कुछ कुछ गिराते भी रहते हैं ना, मैं नहीं चाह रही थी, और मेरा मन भी था फिर फ्लाइट पे जाना है, सामान बढ़ाना वैसे ही काफी महंगा था, 400-4500 का। तो यहाँ पे हमने कंबल लिया, थोड़ा हम बैठे रहे, और यहाँ पे बहुत सारी साड़ी से लेके हर चीज आपको मिल जाएगी, बट वेरी कॉस्ट। एक रजाई लेके आए 100 ग्राम की रजाई 2500 पे, दिखाएंगे घर जाके। अभी हम लोग जा रहे हैं फोर्ट आमेर फोर्ट, तो टाइम हो रहा है और एक फोर्ट हमें सिलेक्ट करना था, तो हमने आमेर फोर्ट सिलेक्ट किया। नाहरगढ़ भी तो जा सकते थे वैसे, जाएंगे वहीं है नाहरगढ़। अच्छा वहीं है, तो उसके हम देखते हैं। देखो नाहरगढ़, जयगढ़। उसके बाद हम लोग निकल ही गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि थी आमेर का किला, आमेर फोर्ट। तो हम लोगों के पास 2-3 ऑप्शंस थे और सब बंद होने वाले थे थोड़े टाइम बाद, तो हमें लगा नाहरगढ़ ना जाके हम लोग जाते हैं आमेर का पद्मावत, है ना, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने। मेरी मम्मी को पहाड़ी से बहुत डर लगता है, तो वो थोड़ा परेशान हो रही थी, बट खैर हम लोग को तो जाना ही था। तो ये है यार आमेर का किला, और ना यहाँ पे काफी सारी पिक्चरें शूट हुई होंगी, आपने देखा होगा ये, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, मैं बताऊँ एक तरह से हेरिटेज सिटी होता है ना, वहाँ पे बहुत सारा ऐसा कुछ था जो आपकी आंखों को लुभा जाए और आपको लगे कि हाँ आप कहीं घूम रहे हो। तो यहाँ पे हम आए, इस जो पानी का ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा था मगरमच्छ सैलट, आई थिंक इसमें मगरमच्छ थे। तो दो रास्ते जाते हैं, या तो आप डायरेक्ट जा सकते हो गाइड लेके, या आपको अंदर भी गाइड मिल जाएंगे। एक कार का रास्ता अलग जाता है, अगर आप यहाँ पे जाने की सोच रहे हो तो आपको इतनी चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट कार वाले रास्ते पे चले गए थे, क्योंकि जिन ऑटो वालों के साथ हम गए थे ना, उन लोगों ने ये रास्ता बोला था कि आप कार से एक और रास्ता आता है, क्योंकि गाइड मिलेंगे तो आपको वहीं पे पार्क करा देंगे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो किला है वो चढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ही चढ़ गए थे किले को, और उसके बाद फिर उतरे हैं। मम्मी पापा नहीं गए क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत थके हुए थे, उनके पैरों में हिम्मत नहीं थी। मैं, राजा, जिया, डुगू और दीपा जो है वो फोर्ट देखने के लिए निकल गए। उसके बाद फिर यहाँ पे जब हम चढ़ने लगे तो बहुत सारी चीजें थी, मैंने कुछ सामान यहाँ से भी लिया है, पर्स, मिरर और हाथी लिए हैं। यार बहुत ज्यादा प्यारी सिटी है जयपुर वालों, आप व्लॉग देख रहे हो, मेरे को अपनी जगह जो सिटी है वो बहुत पसंद आई। और यहाँ पे मैंने हाथी लिए जैसे डुगू बांध में खेल रहा था, और ये रहा किला। किले के लिए आप 200 रुपये का आपको गाइड मिल जाएगा, आप 5-6 लोगों के साथ घुमा देगा। बट हम लोग किले के अंदर नहीं गए क्योंकि रात होने वाली थी और बच्चों को लेके चढ़ना बहुत मुश्किल था, जैसे डुगू भी गोदी के लिए तैयार था और जिया भी। हम लोग की हालत कल से बहुत खराब थी क्योंकि खाटू श्याम जी के लिए हम लोग पूरे 15-20 घंटे कार में रहे हैं, कभी खाटू श्याम, कभी फिर यहाँ आए हैं, फिर कार में घूम रहे हैं, घूम घूम के बच्चों को पकड़ने की आदत नहीं रहती, हालत नहीं रहती। और यहाँ पे आप मेरा सूट देखिए, मैं थोड़ी बहुत पोज दे रही थी, बताइएगा यार ये सूट कैसा लग रहा है। उसके बाद मेरी जिया जिसने राजस्थानी ड्रेस ही पहनी थी, जो कि मैंने ली थी मेहंदीपुर बालाजी, उसकी मौसी ने उसे गिफ्ट की थी। और यहाँ पे हमने ले ली टोपी एंड कुछ सामान जो हमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत। अब जब भी किसी सिटी से जाते हो ना, तो यार वहाँ को सामान खरीद के जरूर जाओ, वो एज अ मेमोरी आपके लिए हमेशा काम करेगा कि हाँ हम यहाँ आए थे तो हमने ये चीज़ यहाँ से ली है। तो हमने कुछ सामान लिया यहाँ से, और उसके बाद फिर हम ले के चले गए, और यहाँ थोड़े से पोज देके, थोड़ी फीलिंग लेके, और बहुत सुहानी हवा चल रही थी, मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, बस जो बारिश की कीचड़ थी ना वो थोड़ी सी लगी। फिर पापा लोग यहाँ पे खा पी रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी के लिए हम लोग ले आए थे थोड़ी सी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, क्यों ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली, उन्होंने बहुत हालत यार क्या होता है ह्यूमिडिटी हो जाती है, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये हमारी जयपुर ट्रिप की लास्ट स्टेशन थी, आपको लग रहा होगा कि शिवानी तो बहुत ही कम घूमी है, तो मैंने जैसे कि काम दोबारा आएंगे, बट जाने का टाइम आ गया था, यहाँ हम कार में बैठ गए और निकल लिए थे अपने घर की तरफ, जो कि था पूरे
छः घंटे दूर, और अगर हम रुक के खाने पीने से लेके चाय का वो करें तो हमें टोटल लग गए थे वॉशरूम वगैरह मिला के 8 घंटे, 2 घंटे एक्स्ट्रा लेके। फिर उसके बाद फिर हम चलने लगे धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हम लोग उतरे फिर खाना खाने, ये था द हाईवे किंग, बहुत सारी ब्रांचेस हैं और खाना बहुत ही रद्दी था यार, चूक ना जाना किंग का खाना, बहुत जगह आपको बोर्ड दिखेगा बट खाना बहुत बुरा था। हमने दाल मंगाई थी जबकि बसंत ढाबा का खाना बहुत अच्छा था, और यहाँ पर बच्चों को बस फीडिंग चेयर मिल जाती है, बाकी खाना हमें बिल्कुल नहीं पसंद आया। हमने 4-5 चीज़ें मंगवाई थी, किसी में टेस्ट नहीं, पराठों में टेस्ट नहीं, सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। हो सकता है सबका अपना ओपिनियन हो, पर हमने जिस साइड में खाया था वो किंग का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर हम यहाँ पे आ गए थे चाय पीने अराउंड 12:30 बज रहे होंगे, ये हम सेकंड जगह पे रुके थे, और यहाँ पे चाय पी के ड्राइवर ऐसा लग रहा था कि बस बेहोश ना हो जाए, सो ना जाए ड्राइवर, और फिर हम लोग बस डायरेक्ट घर पहुँचेंगे। रात के 3 बजने वाले थे, और पर यार बहुत अच्छी ट्रिप रही। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कल हम 3 बजे घर पहुँचे, आके सो गए, इतनी थके हुए थे। पानी तो बारिश हो रही है, बहुत अच्छी ट्रिप रही। 2 दिन में हम लोग खाटू श्याम जी और जयपुर घूम के आ गए, ऑल दो जयपुर इतना नहीं घूमा जितना कहते हैं ना एकदम डिटेल्ड घूमना है, तो कभी हम और आएंगे और ना 3-4 दिन रह के जाएंगे। काफ़ी प्यारी सिटी है, बस बारिश ने ना पूरा गंदगी करके रखी थी, कीचड़ मिट्टी इतनी हो रही थी कि पूछे मत। और जब हम लोग रिटर्न मार रहे थे और जा रहे थे, इतना ट्रैफिक रात के 1 बजे भी, ट्रक से ट्रक इतना ट्रैफिक लगा, जाम लगा हुआ था यार, तो वहाँ सर बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो गया, बट फाइनली हम लोग पहुँच गए घर। और मुझे उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने वॉइस ओवर के थ्रू आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है अपनी आंखों से जयपुर। जो हम 100 ग्राम्स की रजाई लेके आए हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि लाइट गई हुई है अभी और थोड़ा सा हम लोग थके भी हुए हैं, अभी रेस्ट ही कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।